वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा एलिवेट एंड मारुति सुजुकी ब्रेजा के बीच में। हम इन दोनों एसयूवीज के बीच में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स डायमेंशंस, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी फीचर्स, इंजन वाइज, मतलब कि हर एक डिटेल कवर करेंगे। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएँ। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। लेंथ की बात करें, आपको होंडा एलिवेट में 4 मीटर से ज़्यादा लेंथ देखने को मिलेगी, यानी कि 4312 mm की। ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको 4 मीटर से कम, यानी कि 3995 mm की। विड्थ आपको इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, 1790 mm की। हाइट की बात करें, एलिवेट में आपको 1650 mm की हाइट देखने को मिलेगी, ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको 1685 mm की। सो यहाँ पे विनर है मारुति ब्रेजा। व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, आपको एलिवेट में 2650 mm का व्हील बेस एंड 220 mm की ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस। ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको 2500 mm का व्हील बेस एंड 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। आपको एलिवेट में 458 liters का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको सिर्फ 328 liters का। सो यहाँ पे विनर है एलिवेट। एंड अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स की, तो जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, आपको इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट में फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे विद DRLs एंड LED फॉग लाइट। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको एलिवेट में 17 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको सिर्फ 16 inches के। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद ORVMs। एंड अगर बैक लुक की बात करें, बैक में आपको इन दोनों गाड़ियों में सेमी LED टेल लैंप्स प्रोवाइड की जाएंगी विद रियर वाइपर, रियर कैमरा जैसे फीचर्स के साथ। रूफ में आपको इन दोनों गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना विद रूफ रेल्स एंड छोटा सा सनरूफ देखने को मिल जाएगा। सो अब कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर का। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, ऊपर वाला ब्रेजा का एंड नीचे वाला एलिवेट का, आपको इन दोनों गाड़ियों में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। एंड ब्रेजा में आपको 9 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, एलिवेट में आपको 10.25 inches का। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ और कॉमन फीचर्स की बात करें, आपको इन दोनों गाड़ियों में वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRVM, पुश स्टार्ट बटन, ऑल 4 पावर विंडोज जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे। पर आपको ब्रेजा में 360-degree कैमरा एंड हेडअप डिस्प्ले जैसा फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ओवर होंडा एलिवेट। सो यहाँ पे आपको ब्रेजा में 2 फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं ओवर होंडा एलिवेट। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड छत पे आपको छोटा सनरूफ देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी वाइज वैसे तो इन दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS/ABD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे। पर आपको होंडा एलिवेट में ADAS के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि होंडा सेफ्टी सेंस, जो फीचर्स आपको होंडा सिटी 2023 में देखने को मिलते हैं, बस वही फीचर्स। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे क्लियरली विनर है होंडा एलिवेट विद ADAS। इंजन वाइज आपको ये दोनों गाड़ियाँ, पहली बात, सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल हैं। आपको एलिवेट में एक 1.5 liter का IVTEC पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रोड्यूस करेगा 119 bhp एट द रेट 145 nm ऑफ टॉर्क। एंड इस गाड़ी में आपको फ्यूचर में एक हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिल सकता है, सेम एज होंडा सिटी, पर इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको एक 1.5 liter का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 103 bhp एट द रेट 137 nm ऑफ टॉर्क। एंड ब्रेजा में आपको CNG का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शन, यहाँ पे IVTEC इंजन फार बेटर है ब्रेजा के इंजन से। एंड IVTEC इंजन में आपको ज़्यादा पावर भी देखने को मिल रही है, यानी कि होंडा एलिवेट में। बाकी ये दोनों गाड़ियाँ आपको AMT एंड मैनुअल के ऑप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कार्स। वैसे तो ये दोनों गाड़ियाँ अलग सेगमेंट में फॉल करती है, एक 4 meter से ज़्यादा जहाँ पे करेटा फॉल करती है, एंड एक 4 meter से कम जहाँ पे नेक्सॉन, वेन्यू जैसी गाड़ियाँ फॉल करती है, इंक्लूडिंग मारुति ब्रेजा। पर आपको इन दोनों गाड़ियों में सेम फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, लगभग सेम है, इवन आपको ब्रेजा में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं इंटीरियर वाइज। एंड इंजन भी आपको इन दोनों गाड़ियों में सेम 1.5 liter का देखने को मिल रहा है, यानी कि CC। सो मैंने इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन किया, कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। बाकी आपको एलिवेट का थोड़ा ज़्यादा प्राइस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ब्रेजा, क्योंकि उसकी लेंथ 4 meter से ज़्यादा है एंड उस गाड़ी में टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।